दूसरे हैं एक और चौधरी, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े चौधरी हो गए धर्म के ठेकेदार, वो हैं साई बाबा। आपको अपना घर ऐसी की तैसी कराना हो तो साई बाबा को लिवा लो, केवल साई की पूजा करो, बस आपके घर की पूरे कैसी तैसी कर देंगे। चाहे स्वास्थ्य से आपको नष्ट करें, चाहे धन से आपको नष्ट करें, चाहे वैभव से आपको नष्ट कर दें, एक जगह आपको डैमेज जरूर करेंगे। ये साई का काम है। ये साई कब के भगवान है? अब वो लिखता है ओम साई नाथाय नमः। काहे लिख रहे भाई मुल्ला जी तुम, और लिखो ओम मुल्लाय नमः, क्यों नहीं लिखते ओम साई नाथाय नमः? क्यों लिखते हो ओम साई मुल्लाय नमः लिखिए, नहीं लिख रहे? क्यों? हिंदू आएंगे नहीं फिर मुल्ला जी के नाम पे। अब तो घोषित कर दिया मस्जिद बनी थी, बोले मंदिर है, तो जो मस्जिद थी अभी तक उनकी जिसमें नमाज पढ़ता था वो साई, अब वो कहते हैं मैं तो मंदिर है। तमाम कुछ बातें बदले डाल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा बदल दे रहे हैं, इतिहास से बदल डाल रहे हैं। क्योंकि हिंदू वहाँ जाता है बेवकूफ़ बन के, उल्लू बन के लौट आता है, लाद लाता है वहाँ से सब कथा भागवत, ले आता है प्रेत 2-4-5 हज़ार और घर में, और बड़ा खुश। साईं बाबा जब से गए तब से हमारा व्यापार बड़ा अच्छा हो गया, चलो चलाओ व्यापार आगे, कुछ आगे चलो फिर देखते हैं, फिर देखे क्या होगा। फिर घर में टेढ़े पड़े हुए लकवा मारे, व्यापार बढ़िया चल रहा, लकवा मारे पड़े हुए हैं, अब खाना खाओ, खाने नहीं खा पा रहे हैं, लकवा है, आ गए साईं बाबा ऐसे। तो टेढ़े मेढ़े तमाम असाध्य रोग पैदा होंगे, क्यों? सब गंदगी भरी हुई है, असाध्य गंदगी। तो साईं आई की मूर्ति घर में रखी हो तो पहले चप्पल उठाओ घर की अपनी चप्पल, और उसको बाहर निकालो, कम से कम 100-150 चप्पल, जब तक चप्पल न टूट जाए तब तक मारो उसे। हम तो जब उस ऊर्जा को पकड़ लेते बगैर पिटाए उसको हम 1 घंटा पीटे छोड़ते नहीं, और जितने उसके अंश पकड़ में आ जाते उतने तो माँ को खिला ही देते हैं। घर घर में फैल गया है अंश साईं बाबा का। एक बेचारे शंकराचार्य वो चिल्लाते रहे कि साईं को हटाओ, साईं को हटाओ, पूरी जनता उन्हीं हिंदू भाई उन्हीं पीछे लग गए शंकराचार्य के पीछे कि शंकराचार्य हटाओ। आप बताइए, वो बेचारे चिल्ला चिल्ला के मर गए, उनकी हालत खराब हो गई शंकराचार्य जी की, और हिंदू समाज के लोग हल्ला मचाए रहे। हम तो कहते हैं ना जो लोग साईं को मानते हैं वो कहते हैं अच्छे मेरे सामने आओ तो हम नंगा कर देंगे 2 मिनट में, पूछ लेंगे तुम्हारी तो ये समस्याएं 25 बैठी हुई हैं, बताओ करो तुम्हारे साईं बाबा ठीक करे तुमको, यहाँ कहाँ छिपोगे, यहाँ तो नंगे हो जाओगे, यहाँ तो छिपेगा नहीं, सब जगह बेवकूफ़ बना लो। हाँ हम तो बड़े वो चौधरी बन गए हैं जब से गए वहाँ हैं, तो इनसे बचना है, ये धूर्तों से बचना है, मुल्ला मौलवी मजार दरगाह इनसे बचना है, ये सब अच्छी एनर्जी नहीं, बिल्कुल अच्छी एनर्जी नहीं, इनसे बचना है। आपने इनको अगरबत्ती दिखाई और याद किया, उन्होंने एंट्री मारी आपके अंदर। दरबार से सारे नियम पूरे करने के बाद आपको जो कवच मिलते हैं दरबार से, सुरक्षा चक्र मिलते हैं, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया में किसी ताकत नहीं, कोई तांत्रिक ओझा मौलवी झाड़ फूक टोना टोटका करने वाला, कोई बड़े से बड़ा जादूगर, एक प्रेत डालने की हैसियत उसके 7 पुस्तों में नहीं है कि आप में एक प्रेत डाल दे, इन औकात नहीं किसी धरती पर। बसरते इनको आप हमेशा मन में गाली दो, निकलो मजार दी के तट उधर देखो, पहले तो हाथ जोड़ लेते थे आप तुरंत, अरे सैयद बाबा, यही सैयद बाबा ने मारा है कि तबाह कर दिया सबको। लड़कियां जो शादी से इनकार करती हैं, नहीं मैं शादी नहीं करनी, सीधे समझ लेना जो दरबार से नहीं जुड़ा है, सैयद बाबा कुंडली मार के बैठे हैं अंदर, बिना कहीं जाए इस बात को समझ लेना कि सैयद बाबा कुंडली मार के अंदर बैठे हैं, पति बन के बैठे हैं, पत्नी बना के बैठे हैं बिटिया को आपकी, वो मेधस कंट्रोल करे हुए हैं। शादी की बात करोगे तो कपड़ा फाड़ लेगी, खोपड़ी पटक देगी, तुम्हारी खोपड़ी फाड़ देगी, और शादी नहीं करेंगे यही कहेगी, मतलब सैयद बाबा विराजमान है, ये ध्यान रखना। गंदी एनर्जी, क्यों? वो तो कहते हैं हमारी पत्नी है, पत्नी की शादी कहाँ से हो जाएगी, कंट्रोल करें।
गंदगी फैलाते हैं, एकांत में रखेंगे उसको, एकांत में रखने की स्मृतियाँ बनी हुई हैं, एकांत में रखेंगे लड़कियों को, बाहर नहीं आने देंगे, लड़ाई झगड़ा कराएंगे, तनाव कराएंगे, घर से भगाएंगे, ऐसे करते हैं। तो ये गंदगी से बचना है।